हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए उनके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए टॉप 20 एमसीक्यू। जी हमें दोस्त, ये हिंदी के आप लोग का हिंदी के एमसीक्यू यानी हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले है, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित, जो आप लोग का शुरू शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलो इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑप्शन टू ऑप्शन, जी हमें दोस्त ऑप्शन सहित फंसने वाले हैं। तो चलो इनको एक एक कर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पे कि झूठा सच के लेखक है। काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेटेस्ट 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो झूठा सच के लेखक है, तो झूठा सच के लेखक ऑप्शन दिया कि जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, यशपाल या रामधारी सिंह दिनकर। सही ऑप्शन हो जाएगा यशपाल, ठीक है। इसकी विधा याद रखना, झूठा सच किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झूठा सच किस विधा पे आधारित रचना है, तो उपन्यास विधा पे आधारित, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट प्रश्न था। सेकंड प्रश्न देख सकते हो यार, सेकंड क्या प्रश्न है कि क्या भूलू क्या याद करूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी किस विधा पे आधारित रचना है। देखो, क्या भूलू क्या याद करूं, और एक आपका है नीड का निर्माण फिर। जी हमें दोस्त, नीड का निर्माण फिर, ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसके लिए तो ये ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ये निबंध कहानी या फिर ये जीवनी ये नहीं होगा, ठीक है। तो क्या भूलू की क्या याद करूं और नीड का निर्माण फिर, ये दो रचनाएं आप लोग याद रखना, आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं और इसके द्वारा लिखी गई है तो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। तो ये हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते, ये भी काफी, ये देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना मैंने खुद छांट छांट कर लिखे हैं, इसलिए ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। लहरों के राजहंस, जी हमें दोस्त, लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी या जैनेन्द्र कुमार। सही ऑप्शन आपका मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो वो है मोहन राकेश। ये हम लोग का थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये किस विधा की रचना है, लहरों के राजहंस ये भी पूछ देता है, तो आप लोग याद रखना नाटक विधा की रचना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी द्वारा लिखित नाटक विधा की रचना है। अगला देख सकते हो फोर्थ नंबर प्रश्न, यह क्या है कि कंकाल नामक नाटक के लेखक है। ओके, आप लोगों ने सुना होगा कंकाल तितली इरावती, सुना क्या होगा, आप सब जानते ही होंगे कि ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक विधा की रचनाएं हैं, कंकाल तितली इरावती, जिसमें इरावती को अपूर्ण माना जाता है, ठीक है। चलो पांचवा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह क्या प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। भाई आधुनिक काल की समय सीमा है बताना है, तो 1843 से अब तक का जो समय है इसे आधुनिक काल कहा जाता है, ठीक है, तो आप ये याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, पांचवे के बाद छह नंबर प्रश्न देखते हैं। छह नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। ओके, हमें इसमें बताना है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। छाया नहीं, मर्यादा और हंस, यहीं पे आप देख सकते हो हंस पत्रिका और मर्यादा पत्रिका जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, तो ये दोनों आप लोग याद रखना। चलो आगे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि केशवदास की रचना है। केशवदास की रचना कौन सी है हमें ये बताना है। तो देखो केशवदास एक रीतिकालीन कवि है, ठीक है, और रीतिकालीन कवि है, और रामचंद्र का इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। जी हमें दोस्त, रामचंद्र का केशवदास जी के द्वारा लिखा गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बाकी ये मतलब ये भी काफी प्रेम वाटिका भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है, ये रसखान जी द्वारा लिखा गया है, और प्रिय प्रवास को तो आप जानते ही हो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा गया है, और आंगन के पार द्वार ये सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। क्लियर, तो ये सातवां प्रश्न आपको क्लियर, ऑप्शन भी मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ। सबसे पहले तो तार सप्तक के प्रकाशक कौन थे, तो यही सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, शॉर्ट में इनका नाम अज्ञेय लिया जाता है, ठीक है, अज्ञेय जी थे। अब देखो ये तीन इसके एडिशन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीसरा यहाँ कह रहा है ना कि तीसरा तार सप्तक, थर्ड एडिशन तार सप्तक का कब प्रकाशित हुआ, तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा 1959 में। जी हमें दोस्त, 1959 में, देखो माना जाता है आपका 1943 में फर्स्ट एडिशन प्रकाशित हुआ था, और 1949 में इनका, ठीक है, 1949 नहीं माफ करना 1951
1951, ठीक है 1951 में सेकेंड एडिशन, ठीक है, और थर्ड एडिशन आपका 1959 में। तो तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो 1959 में। और आप याद रखना, फर्स्ट 1943 में, सेकेंड 1951 में, और थर्ड 1959। चलो, और ये तार सप्तक के प्रकाशक कौन थे, तो एक तरह से अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वाट्सयायन अज्ञे, ये भी आप लोग याद रखना। चलो, ये फर्स्ट पेज में 8 हम लोग के प्रश्न थे, यहाँ भी यहाँ ग और घ ऑप्शन है, तो चलो इनको मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही ये ऑप्शन है। अगला हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, यह क्या है कि ललित ललाम, जी हाँ मेरे दोस्त ललित ललाम के रचनाकार के हमें नाम पूछ रहा है, ठीक है, ललित ललाम के रचनाकार कौन थे। देखो, ललित ललाम जो है ना, एक रीतिकालीन ग्रंथ है जिसके लेखक है मतीराम, जी हाँ मेरे दोस्त मतीराम लेखक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10 नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर वाला प्रश्न। ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, ओके, ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है हमें ये बताना है, कहानी, उपन्यास, आलोचना या संस्मरण। तो भाई, ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है, तो ये 4th नंबर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखो, शुरू में अब ये आपके जो 10 प्रश्न हो गए, ये आपके हिंदी के गद्य और पद्य से प्रमुख लेखक और कवियों की रचनाओं और उनकी विधाओं से संबंधित प्रश्न थे। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अब आपके समझो एक तरह से व्याकरण के प्रश्न होंगे, तो चलो इनको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो, ये रस से, क्योंकि यहाँ में रस पूछा जा रहा है। शोक विकल सब रो वही रानी, देखो यार, रो वही रानी, रोने की बात आ रहा है यहाँ पे, तो सिंपल यहीं से आप पहचान जाओ कि यहाँ पे क्या है, करुण रस है, करुणा यहाँ पे, ठीक है, रोने की बात रही तो यहाँ पे करुणा यानी करुण रस आ गया। तो यहाँ पूछ रहे उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, मैं पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल करुण रस, ठीक। चलो अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊपर रस से था, ये देखो छंद से क्वेश्चन की, रोला छंद में कितने चरण होते हैं। तो देखो भाई, रोला छंद में कितने चरण होते हैं हमें ये बताना है, तो सिंपल आप याद रखना 8, ठीक है। आप छंद देखो, जैसे ये 4 पंक्तियों का होता है, जैसे आप देखो ऐसा लिखा होता है, देखो ऐसा लिखा होता है, फिर यहाँ पे कामा देकर लिखा होता है, मतलब कुछ शब्द यहाँ पे, फिर कामा देकर यहाँ पे, मतलब ये पहला वाक्य, मतलब पहला वाक्य यहाँ पे कामा देकर ये दूसरा वाक्य, तो इसको फर्स्ट चरण बोला जाता है, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसी प्रकार आगे भी लिखा रहता है, ठीक है। इसी प्रकार ये ऐसे, मतलब ये आपका 4th, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, तो 8 कुल चरण होते हैं, ठीक है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो 8 चरण होते हैं, आप लोग याद रखना। और सोठा में कितने चरण होते हैं, तो सोठा 2 पंक्तियां होती है, जैसे ये कामा और एक ये कामा बीच में और ये, तो इसमें 2 पंक्तियां होती है और 4 आपके क्या होते हैं, चरण होते हैं। तो सोठा में 4 और रोला में 8 चरण होते हैं, आप लोग याद रखना ये। अगला हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है कि चरण कमल बंधौ हरियाई में अलंकार है, ओके, चरण कमल बंधौ हरियाई, भाई कितनी बार करा चुका हूं, ये तो लाइन सूरदास जी लिखे, इसमें कौन सा अलंकार है हमें ये पूछा जा रहा है, कि चरण कमल बंधौ हरियाई में कौन सा अलंकार है। सिंपल, इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, और एक आप लोग याद रखना ये हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार, और चरण कमल बंधौ हरियाए रूपक अलंकार, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है लड़कों को। चलो आगे चलते हैं, अगला हम लोग 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि अनुपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, देखो ये ना, मतलब 80% लड़के क्वेश्चन गलत करेंगे, क्यों, अनुपस्थिति शब्द में उपसर्ग है, पहला अनु, यही लड़के ट्रिक लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित करे, तो यहाँ अगर अनु आप निकालते हो तो उपस्थिति बचेगा, और उपस्थिति का कोई मतलब ही नहीं होता है जो उपस्थिति शब्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अन होगा, अन, क्योंकि अन प्लस उपस्थिति, ठीक है, अन प्लस उपस्थिति मिलकर आपका क्या हो जाएगा, अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति में आपका अन उपसर्ग हो जाएगा, ये ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, काफी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 80% लड़के अगर मैं नहीं बताता तो एग्जाम में गलत कर आते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या 15 आप लोग देख सकते हो, यह क्या है कि राम रहीम में समास है, हमें राम रहीम में समास बताना है। देखो, राम रहीम हो गया, या फिर माता पिता, ये बीच में हाइफन टाइप का आ जाए, जिसका आप मतलब समास विग्रह करो, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, माता और पिता, ठीक है, या ये भी हो सकता है, अथवा इसका समास विग्रह ये भी हो सकता है कि माता, नहीं यही होगा, माता और पिता, ठीक है, माता पिता मींस माता और पिता, तो बीच में ये देखो और आ रहा है इसका समास विग्रह करने पर, तो ये किस में चला जाएगा, ये द्वंद समास में चला जाएगा। उसी प्रकार राम रहीम, राम और रहीम, या इसका ये भी कह सकते हो कि राम रहीम यानी राम या रहीम,
ठीक है। तो ये किसका मतलब एग्जांपल है, ये द्वंद समास का एग्जांपल है। और द्विगु समास में क्या होता है, संख्या बोधक, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया ठीक है, तीन भुजाओं वाला ठीक है। तो ये आपका द्विगु समास, जो संख्या बोधक होता है द्विगु समास में चला जाएगा ठीक है। और बहुव्रीहि में क्या होता है, जैसे पीताम्बर, मतलब पीताम्बर मीन्स जैसे पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, जिसे एक तीसरा अर्थ निकले, तो वो बहुव्रीहि होता है। चलो आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है कि निम्न में अश्व का पर्यायवाची शब्द, देखो यहाँ पे आपसे कि तो यहाँ से पर्यायवाची शब्द रहेगा कि तो तत्सम या तद्भव से, तीनों में से कोई एक यहाँ पे एक मतलब प्रश्न रहेगा। आप किसी कोड में मान लो पर्यायवाची रहेगा, किसी कोड में आपका तत्सम, किसी कोड में तद्भव। चलो तो निम्न में अश्व का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है, इसमें से छांटना है। तुरंग है, पीयूष सुधा, या विहंग द्विज, या मरकट कपि। तो देखो पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि तुरंग है, बाजी, अश्व ये सब, या घोड़ा, घोटक, ये सब अश्व यानी वही घोड़ा के पर्यायवाची है। और पीयूष सुधा सोम ये अमृत का है, क्लियर। और ये वाला जो मरकट या कपि ये सब बंदर का है, बंदर का पर्यायवाची है। या विहंग द्विज पक्षी का है, ये पक्षी का ठीक है। चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 हम लोग का हो गया, प्रश्न संख्या हम लोग 17 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है, तद पुलिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप। यहाँ देखो आपका ना, आपके यहाँ में शब्द रूप अब नहीं आएगा, न ही धातु रूप आएगा ठीक है, और न ही संधि से प्रश्न आएगा, ये सब हट चुका है टॉपिक ठीक। ये लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोग का मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ सब। तो यहाँ अब कहोगे कि ये तब मतलब ये क्या है, तो देखो ये सर्वनाम शब्द रूप है। सर्वनाम शब्द जो तद है, तद का अर्थ होता है वह ठीक है, तो ये एक सर्वनाम शब्द है। तो वह का आप पुलिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, तीन ये रूप होते हैं, इनको याद करना पड़ेगा। और एक आपका युष्मद ठीक है, एक युष्मद का भी याद करना पड़ेगा, ये दो का याद करना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आएगा एक ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तद और क्वेश्चन में लिख देखे पुलिंग, यानी पुलिंग का हमें बताना है। शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है, ओके, हमें इसका बहुवचन रूप बताना है। ये आई थिंक ये मतलब तस्मई तस्यई ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, ये क्योंकि ऑप्शन इसमें सही नहीं है, मैंने ठीक से नहीं लिखा है। यहाँ बहुवचन ना कर अगर एक वचन हम लोग कर लेते हैं, एक वचन ठीक है, तो ये तस्मई फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप तस्मई होता है ठीक। तो यहाँ बहुवचन का जगह एक वचन कर लो ठीक। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 के बाद हम लोग 18 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है कि सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, वाक्य का प्रकार क्या। देखो ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, वाक्य का स्वरूप उसी से मतलब क्वेश्चन है, वाक्य का स्वरूप से। पक्षी निकला और सॉरी सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे। अब इसमें वाक्य का प्रकार बताने की, सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखो यह एक संयुक्त वाक्य, क्योंकि देखो एक यहाँ पे एक नॉर्मल वाक्य, साधारण वाक्य, यहाँ पे एक साधारण वाक्य, और जो मतलब दोनों को क्या जोड़ा है, बीच में ये और जोड़ा है, और किंतु परंतु ये सब जोड़ दे दो मतलब सरल वाक्यों को, तो वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। 18 के बाद हम लोग का 19 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन डॉट डॉट के अनुसार प्रयुक्त होता है, मतलब यहाँ भरना है क्या प्रयुक्त होता है। कर्तृवाच्य वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन डॉट डॉट के अनुसार प्रयुक्त होता है, किसके अनुसार प्रयुक्त होता है भाई। जो कर्तृवाच्य वाक्य होता है उसमें जो क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन किसके अनुसार प्रयुक्त होता है, तो कर्ता के, कर्म के, या कर्ता तथा कर्म दोनों के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कर्ता के ठीक है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन होते हैं कर्ता के अनुसार यूज होते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है। तो देखो यहाँ पे ये राम के अनुसार यहाँ पे ये क्रिया यूज हुई है, और यहीं पे अगर ये सीता होता तो यहाँ पे ती हो जाता ठीक है, समझ गए। तो कर्ता के अनुसार ये यूज होता है। बाकी हम लोग ये जब ये वाच्य परिवर्तन से, ये वाच्य वाला जो नया टॉपिक आपका जुड़ा है उससे रिलेटेड है, अभी इसको हमने नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा आपको। बाकी हमने जो ये वाक्य का स्वरूप है, ये जो प्रश्न संख्या 18 है, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी वाले में आपको मिल जाएगी वीडियो, आप देख लेना, या उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी खोज कर डाल दूंगा ठीक है। चलो तो 19 नंबर प्रश्न हो गया। 20 नंबर और अंतिम आपका प्रश्न क्या है देख सकते हो आप लोग का, ये भिखारी और अभिखारी जो शब्द नया मतलब ये भी जुड़ा है, भिखारी और अभिखारी शब्द उससे रिलेटेड प्रश्न है कि भिखारी पद के अंतर्गत नहीं आता है, भिखारी पद कह लो या भिखारी शब्द कह लो, इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है, विशेषण,
क्रिया विशेषण, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो देखो विकारी पद के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक आपका विकारी हो गया और एक आपका अविकारी हो गया। ठीक, तो विकारी के अंतर्गत आपका संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, ये चार आते हैं। इन पे लिंग वचन आदि का प्रभाव पड़ता है, ठीक, और अविकारी शब्द पे लिंग वचन आदि का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसमें आपके क्या आते हैं, जिसमें आपका क्रिया विशेषण आ गया, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द आ गया, ठीक है, या विस्मयादि बोधक शब्द आ गए, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो ये इसमें ऑप्शन में देखो विकारी पद के अंतर्गत नहीं आता है, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो भाई विशेषण और क्रिया तो दोनों विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, ये क्रिया विशेषण नहीं आता है, ये अविकारी के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं आता है, हमें पूछ रहा है तो ये नहीं आता है, तो 20 का बी वाला ऑप्शन आप रंगोगे अगर आ जाता है। तो इस प्रकार हमने ये 20 एमसीक्यू कर लिया, एकदम आपका जो लेटेस्ट पैटर्न था उस पे आधारित। बाकी यहाँ पे देखो आप अभी तक हमारी ये एप्लीकेशन यूपीएमएसपी स्टडी देख सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे जाकर, गूगल प्ले स्टोर पे यूपीएमएसपी स्टडी, जहां से आप सारी एप्स डाउनलोड करते हो, तो आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देगी, आप इसे इंस्टॉल कर लेना अपने फोन में, आपके स्टडी में काफी हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने हिंदी का और साथ में एसएसटी यानी सोशल साइंस का भी टेस्ट ऐड कर रखा है, तो आप जाकर टेस्ट भी देना। उसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो जाकर आप जरूर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे उसकी जानकारी हो जाए आपको और उसको आप देख सको। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।